आज की वीडियो में हम महाभारत से जुड़े सबूतों के बारे में जानेंगे। महाभारत धर्म के लिए लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध है, जिसमें खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया है। ऐसे कई सबूत हैं जिससे पता लगता है कि महाभारत का युद्ध असल में हुआ था। चलिए उनमें से कुछ सबूतों के बारे में जानते हैं। महाभारत का युद्ध जिस जगह पर लड़ा गया था उस जगह का नाम कुरुक्षेत्र है। महाभारत के युद्ध के समय इतना खून बहा था कि आज भी वहां की मिट्टी लाल है। इस स्थान पर खोज करने पर बहुत से तीर और भाले भी मिले थे। इनकी जांच करने पर पता लगा था कि यह सभी हथियार महाभारत काल के ही हैं। अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में हमने सुना भी है और देखा भी है। इसका सबूत आज भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक गांव में मौजूद है। उस गांव में पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। जब वह इस स्थान पर रुके थे उस समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखता है, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। इस जगह को पिपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में हमने ब्रह्मास्त्र के बारे में सुना हुआ है। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मास्त्र महाभारत काल में केवल कुछ योद्धाओं के पास ही था। अमेरिका में जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया, फिर इसका परीक्षण किया गया। इससे जो धमाका हुआ उसका परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना था कि इस तरह का शस्त्र महाभारत में भी इस्तेमाल किया गया था। महाभारत के समय में कौरवों ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है कि यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावर नामक स्थान पर मौजूद है। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय एक विशाल आदमी का कंकाल मिला था। कंकाल को देखकर ही पता लग गया था कि यह किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। महाभारत में घटोत्कच का वर्णन भी कुछ इसी समान है। कंकाल को देखकर यही अनुमान लगाया गया कि यह कंकाल घटोत्कच का ही है। भगवद गीता भी महाभारत का एक सबूत है। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। यह भी एक सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान एक वृक्ष के नीचे दिया था और वह वृक्ष आज भी मौजूद है। इसी प्रकार महाभारत से जुड़े हुए और भी बहुत से सबूत हैं। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।